आइए, ये बड़ा सुंदर सा इतिहास यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार श्रद्धा करके जोरदार जयकारा बोलिए, श्री गौ माता की। भटियारी को जय प्रणाम है, जय प्रणाम। ए बेबे भटियारी भाई, मने बेबे कहने आला तू कौन आ गया उरे? ए बेबे, मैं तो तने बेबे कहने आला भाई आ गया, पर बेबे न्यू बता दे हे, तू रोवन क्यों लाग रही है? भाई क्यों मेरे जड़े हुए पर नमक छिड़क रहा है तू? अरे सियाने से छोरे ने गोदी में लेकर रोवन लाग रही। भाई तने बताने जोगी बात को ना, तू एक नरम मुसाफिर ठहरा, मुसाफिर आदमी ने मैं के बात बताऊंगी? क्यों मेरे दुख दर्द की पूछ पूछ के तू मेरे गावन और कुरेद रहा है? लगा राजा वीर विक्रमाजीत का दिल पसी जाता है। बेबे तू मेरी धर्म की बहन है, तने बताना पड़ेगा। ए मैं तेरे ठहरन खातिर आया था तेरी सराह में, और तू रोमन लाग रही। और बेबे ईशा उषा मानस को ना, मैं दुनिया के दुख दूर करिया करूं, तेरे दुख ना बता दे। और सुन मेरी बात। सुना दे भाई। बेबे ये कौन सी विपत्ता पड़ गई? एरी गहरा के दुख दूर करा करूं या ताकत से मेरे से मेरे में। मेरे में भाई बेबे, तू मेरा दुख दूर नहीं कर सकता। बेबे मैं दुख दूर करूंगा, कौन सा दुख है? सासू ननद खट्टी से भाई कुछ कहना चाहता है या कर, मैं तेरा ब्याह पति तेरे प्रदेश दिगर गया छोड़ के, यो दुख भी नहीं है भाई। फिर कोई देवर जेत खट्टा से, यो दुख भी नहीं है। मेरी बात सुने। सुना दे। ननद जेठानी करे लड़ाई के घर में बचा बास तेरा, के देवर से तेरा यह किला जो बंद कर रखा सांस तेरा, के देवर से तेरा किला बंद कर रखा सांस तेरा, के देवर से तेरा किला जो बंद कर रखा सांस तेरा। अरे के चोरा ने माल लूट लिया, के चोरा ने माल लूट लिया, अंधी Get out!
इसमें तो मेरा कोई भी दुख नहीं, ना देवर जेठ खोटा ना सासू खोटी नहीं, ना कोई ननद जेठानी लड़ाई करे ना भाई। फिर बेबे रोवन का क्या कारण से तेरा? बेबे कोई पीर ते बुरी चिट्ठी आ गई ना भाई, एक ही से भाईचारे थे लड़ाई होगी, यो भी को नहीं हुआ। सुन मेरी बात, सुना दे। धनी कसुती चिट्ठी आ गई, धनी कसुती वो चिट्ठी आ गई, कोई कोती नाती प्यारे की, और के तेरे संग में हुई लड़ाई सब तबाही चारे की, कोई आवे कोई जान लाग रहा जगत सदा हटियारे की, और लिकड़ी ओटा चढ़ गई कोठा ये दुनिया चो नकारे की, लिकड़ी ओटा चढ़ गई कोठा दुनिया चो यारे प्यारे ते लड़ाई नहीं हुई, पीर से कोई बुरी चिट्ठी नहीं आई, फिर बेबे क्यों हो वैसे? बेबे तेरे रोने ने देख कर मेरा भी जी भर आया। अच्छा बेबे न्यू बता, जो तू याने बालक ने गोदी में लेकर रो रही है, ए इसका बाबू खड़े गया भाई, बस यो ही मत पूछ है। अच्छा लगो नंबर तीन में राजा वीर विक्रमाजीत के आंसू आ जाते, क्या कहता है क्या बताए? एले गोती में रोवे से, ले गोती में रोवे से, केसर पे खसम घुसाई ना, तड़के ता में भूखा था मने रोटी तक कभी खाई ना, मेरे आराम करण की खातर तो सकदरी बिछाई ना, और मैं आया था अरे ठहरण खातर पर तू भी सुखिया पाई ना, मैं आया अरे ठहरण खातर तू भी सुखिया पाई ना, मैं आया अरे ठहरण खातर तू भी सुखिया पाई ना, रही कनार पसीना सुखिया, रही कनार पसीना सुखिया, जन सर्दी बड़ी पछे ठहरण खातर आया था, पर तू भी सुखिया को ना पाई भाई, देख क्यों बिना बात की मुसीबत में तू आ दे है। अच्छा तू एक काम कर, अपने घर ना चला जा, मैं जिसी हूँ उसी मेरे घर में मन पड़ी रहने दे। बेबे तने मैं एक बात कह रहा हूँ, ईशा उषा मानस मत ना समझ लिए, और मैं दुनिया के दुख दूर करिया करूँ। आखिर में राजा वीर विक्रमाजीत उस मठियारी को क्या कहता है? लोगों क्या बताया? ले गोती में क्यों रोवे से, ले गोती में क्यों रोवे से, के पाप मरिया इस जाने का ब
बेबे ए बेबे बेबे बख्तियारी भाई यही दुख से मने कि जिसने मैं गोदी में लेकर और इस उसका बाप इस दुनिया में नहीं से और आज इसको भी उस अन्यायी राजा के यहाँ भेंट में जाना पड़ेगा भाई। मेरे घर में इसके अलावा और कोई मर्द मानस नहीं है, मैं जाऊं तो कहां पर जाऊं? ए बेबे मैं तेरे दुख में समझ रहा हूं, सुन मेरी बात, मैं तेरे दुख में मिटूंगा। क्या बताया गोदी में क्यों रोवे के बाप मरा इस सियाने का, सारा भेद खोद कह कहते काम नहीं शर्माने का, ईशा उषा में मानस को जा मानस ठोड ठिकाने का, पानची में रहन लग जा मांगे राम सुसाने का, पानची में रहन लग जा मांगे राम सुसाने का, पानची में रहन लग जा मांगे राम सुसाने का। और कार चला सांग सीख दिया गुरु लक्ष्मी चंद्र डेरे में और कह रहा के दुख दूर करया करूंगा ताकत से मेरे में। हाँ बेबे रोवे थी के कहती राजा न्याय क्या हो गया? ये श्यामदाम राजा की नगरी है। अच्छा यहाँ पर रोजाना एक भेंट जाया करती है भाई, और आज मेरे इस बेटे का नंबर से जब ही मैं बैठी बैठी बेटे ने एक लीने रो रही थी भाई, मैं किसने सुना दूं मेरे घर में इसे आदमी कोई को ना जो उसकी भेंट जा सके। लोगो भटियारी लोग के कहने लगी राजा वीर विक्रमा जीत सेरे भाई परदेसी, ये श्याम धाम राजा की नगरी है और श्याम धाम राजा के एक लड़की है जिसका नाम है रतन कौर, रोज एक खूनी किले में रहती है वो, रोज एक मानस की भेंट लेती है। 12 साल पहले मेरा पति गया था, आज मेरे एक के लड़का से इसका नंबर आ गया भाई, मैं तो न्यू रहूं। ए बेबे ए उरे ना। हाँ भाई। बेबे न्यू कर तू रहा है मतना, और जो तेरा राजा है श्याम धाम उसके पास चली जा, हाथ जोड़ ले नाट जा उसने भाई, वो बड़ा न्यायी राजा है वो नहीं मानेगा। तू मेरे कहे तो चली जा, और बेबे न्यू कह दिए कहते भेंट ने बंद कर दे, और जब बंद ना करे ना तो बेबे फिर तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। भाई तू क्यों अपनी जान ना, मैं जाऊंगा बेबे, ये मेरा ये काम से मैंने तो संकल्प ले रखा है, मैं दुनिया के दुख दूर करता हूँ। एक बार मेरे कहे तो हाथ जोड़े थे, तू बेबे तेरे राजा दौरे चली जा। ठीक है भाई मैं भी जा रही हूँ। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम प्रणाम, आइए भटियारी। आज मेरे बेटे का नंबर है। हाँ तेरे बेटे का नंबर है। महाराज मेरे बेटे ने छोड़ दे, महाराज मैं तेरा का हाथ जोड़ रही हूँ। बेटे ने छोड़ दूँ, चल भेंट तो तेरे घर तक जानी है, ये रूल है इस नगरी का। महाराज मेरे बेटे के सिवा इस घर में मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं हो, इस नगरी का रूल है हर घर से भेंट जानी है, आज तेरे बेटे का नंबर है, भेंट उसकी जाएगी, यदि उसकी नहीं जा तो तेरा यारा प्यारा कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मेरा कोई यारा प्यारा भी तो नहीं है महाराज। अच्छा हाँ। स्यानी बनने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपको। कहो। सुनिए। हाँ सुनने दे ये जिठानी कोन्या
लिखे। बड़ा सुंदर आप इतिहास सुन रहे हैं। और गान वाले गुरु जी बताया करे कि भाई 70-70 हजार वाले भी आते हैं, लेकिन ये राग नहीं वो लोग नहीं गाएंगे। ये अच्छी सांग की जो विधा सुन रहे हैं आप, और ये जो अमित भाई हैं बड़े अच्छे गायक हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर नाम कर रखा है हमारे इस क्षेत्र का। तो भाई एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई के लिए, जोरदार ताली। क्या कहना है बटियारी, दोबारे कहिए। और मेरे सा सुन दे जिठानी को न्या। अच्छा मैं ते बेटे पे दिन तोड़ू सो जिनके बेटे भेट में चले गए, जिनके पति भेट में चले गए। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो आप इतने निर्दयी हो रहे हो। कोई जरूरत नहीं सिफारिश देने की। इसने भी लेना चाहता हूँ। 18 साल हुई रांड हुई ने, 18 साल हुई रांड हुई ने, तो दड़े सुरग के तेरे तन मन की कोई पूछनी आना बैठ एकली सदालना सो रे कई रोज की
कहे मांगे राम बुरे कर्मा ते टलता टलता टलया रहे ऊंच का पानी सदा झील में डलता डलता डलया रहे। दुश्मन मानस के कर ले वो अपने मन में जलया रहे और मेरे बेटे की जान बता दे राजा मेरा भी दीवा बढ़िया रहे। अच्छा महाराज मैं तेरा का हाथ जोड़ रही सू कितने गाले का मेरी नाड़ काट लगे मैं तेरा हाथ न मोड़ू सू की जान बचा दे मैं भूख खड़ी कर जोड़ू सू। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं चरित्र खिंडार की जरूरत नहीं बेट तो तेरे घर ते जागी चाहे तेरा छोरा जा चाहे कोई यारा प्यारा रिश्तेदार जा कोई रिश्तेदार घर आ रहा हो वो जा लेकिन बेट तेरे घर ते जागी। चल पढ़ाई कर और निवा दुआ के तैयार कर भेज। ठीक है महाराज हाँ मैं चलती हूँ बे। हाँ चलो भाई। हाँ बेबे जो मैंने पुए पापड़ी तारे थे अच्छा वो इस बैग में है। अच्छा बेबे ठीक से भाई तू अपना ध्यान रखियो। बेबे मैं ध्यान रखूंगा लेकिन मैं जाते जाते बेबे तेरे को एक बात समझा के जा रहा हूँ। के बात भाई? अब तू रोना बंद कर दे और मेरी बात सुन। बेबे जो ये तेरा बेटा इंद्रमणस है मैं इसकी जान बचाऊंगा सुने सुना मेरे भाई। मैं तेरे बेटे की जान बचा दूंगा। मैं तेरे बेटे सुन मेरी बात सुना दे। पांच हाथ के बिस्तर में ओ पांच हाथ के बिस्तर में तू सोए जा बटियारी और आज तक समझ लई से बाण धर्म की मारी शाम दाम राजा की छोरी किब तक रही तमारी ये मैं तीन निकलिया वा जो छोरी से ना तीन निकलिया पहला ब्यालूंगा देखेगी दुनिया सारी तीन निकला पहले ब्यालू देखेगी दुनिया सारी तीन निकला पहला ब्यालूंगा देखेगी दुनिया सारी बार गुट्टा छठे महीने अपनी बहन के लेन चरण आऊंगा जो कहती से अपनी बहन ने पान परण आऊंगा और चोए के माँ तेरे किले की मैं नीम धरण आऊंगा तेरे इंदर मन बेटे के ब्याह में बात भरण आऊंगा इंदर मन बेटे के ब्याह में Yeah.
कॉलम भी जाएगा, करंट आ जाएगा, जमीन में करंट आ जाएगा। आइए बेबी एक बात और। हाँ भाई सुनो। सुनाओ बेबी, जब कदे तू बार त्योहार मेरे घर आवेगी मिस्टर लेस है, मिस्टर लेस सर कदे आ जाना, फिर अपनी बेबे ने खाली हाथ भी ना जान दू। के देगा रे भाई मने? तन तो ठाडी भर दूंगा। तू के भर देगा? तन तो गाडी भर दूंगा तेरी। अच्छा सुने कह दे। कदे मिस्टोल सर आगी तो, कदे मिस्टोल सर आगी तो तेरी तन तो गाडी खाती के ने बुलवा के ना तिरछी आडी भर दूंगा, खरड़ सली के लगवा के ना ऐसी ठाडी भर दूंगा, फिर हीरे पन्ने कड़ी मणि बेबे बन की गाडी भर दूंगा, हीरे पन्ने कड़ी मणि तेरी दंते गाडी भर दूंगा, हीरे पन्ने कड़ी मणि तेरी दंते गाडी भर दूंगा। बेबे उड़े आ जाइए तू किता जाऊं, अपनी गुरु भक्ति को दर्शाता है कौन? दादा मांगेराम। हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए बेबे, तू हरियाणा में आइए। अच्छा सुनो भाई, एरी हरियाणा में आ जाइए, तन्ना चट्टी का मैं दिखा दूंगा, तीन गाल से परवा पछवा सापत गाम दिखा दूंगा, तीरथ जमुना बह चढ़ के तने रुक्मण श्याम दिखा दूंगा, लक्ष्मी चंद दाता लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करता शिष्य मांगे राम दिखा दूंगा, लक्ष्मी चंद तेरी जाइए तो ना जट्टी गांव दिखा दूंगा, तीन गाल से परवा पछवा साबित गांव दिखा दूंगा, तीरथ जमुना बह चढ़ के तने रुक्मण श्याम दिखा दूंगा, तने लक्ष्मी चंद की सेवा करता शिष्य मांगे राम दिखा दूंगा, फिर यो जीटी रोड बगै धोरे का कुल ढाई कोस ननेरा, श्याम दाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा बेबे। हाँ भाई मौज ले और अपने बेटे ने खिलाड़ लाड लड़ा इसके अरले मैं चला। ठीक से भाई, राम राम। लगो देर जराशी करी नहीं, देर जराशी करी नहीं, और ही मन समा गया, और चलता चलता राजा वीर विक्रमा जी तुसी खुन्नी किले में आ गया, उसी खूनी किले में चला जाता है राजा वीर विक्रमाजीत। आसन लगा लिए। अरे वीरो आदेश करो महाराज। भाई महल में दीपक जसना चाहिए। जी महाराज। अरे भाई देखिए एक बात और है। हाँ। अरे वीरो जी रोशनी होते ही राजा वीर विक्रमाजीत देखता है उस खूनी महल में जी
एक नौजवान लड़की पड़ी हुई थी। अरे बीरो या के पड़ी से महाराज याई तो से जो किम से याई से हाँ या रोज एक मानस की भेंट या छोरी लिया करे या महाराज राजा की लड़की रतन कौर। अच्छा इसका मुंतवा नागण लिखड़े से जो रोज एक भेंट मांगे है। देखिए बीरो हाँ भाई ऐसा है मैं अपने पांचों हथियार से रहने घर के सो रहा हूँ जी और जब मेरी आंख लग जाना हाँ एक बार जगा दी हो मने तमने हाँ ठीक है महाराज ठीक है आदेश सिर माथे पे लगा रात के 12 बजे और लड़की रतन कौर के मुंह से नागन निकलती है। महाराज हाँ भाई 12 बज गए बाद नागन निकड़ी आई। हाँ महाराज सुनना ये बताते कि राजा वीर विक्रमाजीत लेकर के कठार तलवार ले लो महाराज खेंच के नागन के 3 टूक बना देता है खत्म कर देता है और लगा के सिराने सो गया। सुबह 4 बजे लड़की को होश हुआ क्यों और दिना तो वह नागन डस के पेट में बढ़ जा लेकिन आज वो बीमारी कट गई थी और राजा वीर विक्रमाजीत चादर तान के सोया होया नागण ने सिराने लगा ली और लड़की रतन कौर खड़ी होकर के देखती है अरे ये कौन परदेसी है और क्या कह रही थी क्या हे परमात्मा आज ये कैसा चमत्कार है क्या ब्रह्मा ब्रह्मापुरी से आ गए क्या शंकर भगवान कैलाश पर्वत से आ गए क्या इंद्र भगवान इंद्रपुरी छोड़कर आए हैं जो आज यूं में मेरी बीमारी का जिन्होंने अंत कर दिया है। ये मुद्दत की बीमारी पड़ी बिन मन कौन रोके ले बिन मन
दुनिया हो फिर के राजा दुष्यंत के मुंह पे सर ठाटे का फोड़निया हो के अर्जुन का अभिमन्यु किला चक्र व्यूह तोड़निया हो देवी प्रणाम 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 महाराज प्रणाम देवी देवी ऐसी क्या बात होगी जो इतना करोड़ा छाती में मुक्का मारिया मेरी चादर भी खोस ली मैं तन्नू सोचे थी कि मेरो सांस भी चल रही है कोनी देवी मत ताऊ ने भी कई बार कही थी मगर ताऊ खड़ा कर दे ताऊ तभी को खड़ा हुआ ना अरे देवी हाँ आपने मेरे को जगाया है के काम बन गया काम है हाँ मेरी बात सुन ले और आपको मेरे पिताजी के दरबार में चलना होगा तेरे पिता के दरबार में हाँ भाई ईशा मैंने क्या गुनाह कर दिया तने ईशा गुनाह नहीं किया सुने इसे इसे काम करूंगी तेरी गल्ला तो तने कदे सोचा भी नहीं होगा इसे इसे काम करेगी हाँ के करेगी सुन ले कर लेगी तेरी गल ब्याह ब्याह करेगी हाँ अरे ओ बीरो अरे मरवा दिए अरे यो क्या करवाया महाराज ठीक कर दियो काम में अरे छोड़ी तो ब्याह की करी से ब्याह की महाराज यही तो बीमारी थी सारी अच्छा हाँ यो जो नागण के आपने तीन टूक कराया है ये मानस की भेंट मांगे करती इसके बाप ने भी शर्त लगा रखी थी राजा श्याम दाम ने के शर्त थी भाई अकबर जो इसकी बीमारी ना काट देगा मैं उसकी गले ब्याह कर दूंगा और आधा राजपाट भी उसी को मिल जाएगा आधा राजपाट अच्छा हाँ और नू सुन ले जा देन की चलांगे और दिन निकला तू देख लिए तेरी गले ब्याह कर लूंगी दिन निकले तू देख लिए तेरी गले ब्याह कर लूंगी बोली के बोली लक्ष्मी चंद छेल छतरी तेरे सर पे छा कर लूंगी हो हाँ इस दुनिया के राह के ऊपर अपना राह कर लूंगी हो अच्छा अपने पिता के दौरे जाके आप पे न्याय कर लूंगी हो अच्छा अरे दिन निकले ते पहले सजन तरी गेल ब्याह कर लूंगी हो राजी होगी अरे फिर के होगा हाँ। फिर ब्याह करियो पाछे के होगा जा देन दोनों चालांगे रोहतक होकर बेरी हो रोहतक होकर बेरी हो महाराज सोवन वाले जाग बुगा हमने मतलब की रुके महाराज कर लियो है ब्याह ने नहीं घण करा के तासा में बेगम नहीं आवे थार तो फ्री पंडम बहुआरी से आठ दरोग ने ठीक कहे सर अरे देखिए अपने पिता के दोहरे ले जा करके राजा वीर विक्रमाजीत को तो उसका पिता कौन राजा श्यामधाम राजा श्यामधाम से न्यू कहने लगी पिताजी ये जो शख्स है इसने मेरी बीमारी काटी है और अभी बोले पिताजी अपने शर्त के अनुसार आधा राज और मेरा डोला
कह दिया राजा श्याम धाम ने राजा वीर विक्रमाजीत को, जा परदेसी बरात सजा करके आ जाना, मेरी बेटी का डोला ले जाना। लोगो बरात सजा करके पहुंचा राजा वीर विक्रमाजीत।